हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको गणित पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी को आज हल करेंगे। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले सवाल में उन्होंने कहा है कि सम्मिलन ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सम्मिलन ज्ञात कीजिए। उसमें उन्होंने कहा है कि पहली सवाल है यक्स बराबर 1, 3, 5 और समुच्चय वाई बराबर 1, 2, 3। ठीक है, तो समुच्चयों के सम्मिलन की यदि हम लोग बात करें तो जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है उसमें किन्हीं भी दो समुच्चय के सभी अवयवों को एक साथ लिख लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? समुच्चयों का सम्मिलन कहा जाता है। तो हमारे पास दो समुच्चय हैं, एक x है और एक क्या है? y है। तो x और y के अवयवों को आपस में क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? समुच्चयों का सम्मिलन। अर्थात हमें ज्ञात करना है x यूनियन y। सम्मिलन को किसे लिखते हैं? यूनियन से लिखते हैं। ठीक है, x यूनियन y बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या? इसमें समुच्चय x और समुच्चय y के अवयवों को मिला के लिखिए। यहां भी एक है, यहां भी एक है, इसलिए एक को एक ही बार लिखना है। फिर यहां क्या है? 3 है। यहां क्या है? 2 है, तो 2 को लिखना है। फिर यहां कौन है? 3 है। यहां भी 3 है, तो यहां भी 3 लिख लेना है। और यहां क्या है? 5 है, तो यहां क्या लिखना है? 5। समुच्चय में अवयवों को कभी दोहराया नहीं जाता, इस वजह से हम लोग एक और एक यहाँ का और यहाँ का दोनों को दो बार नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, इस वजह से समुच्चय में अवयव को दोहराया नहीं जाता, इसलिए 3 को भी हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? x यूनियन y। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि a बराबर a e i o u। एक समुच्चय उन्होंने लिखा, समुच्चय a e i o u। ठीक है ना? दूसरा समुच्चय उन्होंने क्या लिखा है? b। क्या लिखा है? समुच्चय b। ठीक है, समुच्चय b में उन्होंने लिखा है a b c। क्या लिखा है? a b c। ठीक है, a b c। हमसे पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए समुच्चयों का, क्या ज्ञात कीजिए? सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन अगर हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? a यूनियन b कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिए, a यूनियन b जब ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों अवयवों को आपस में क्या करेंगे? मिला के लिखेंगे। तो मिला के लिखते हैं, हमारे पास यहाँ a और a मिल रहा है, तब भी हम क्या लिखेंगे? एक ही a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि समुच्चय में अवयवों को दोहराया नहीं जाता। फिर क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? c लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? e i o और u। ये रहा आपका क्या? a यूनियन b। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले का तीसरा। कह रहे हैं a such that x such that x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का क्या है? गुणज। इस बार उन्होंने जो फॉर्मेट लिखा है समुच्चय का वो क्या है? दूसरा फॉर्मेट है, जिसे हम लोगों ने समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में पढ़ा है। ठीक है ना, तो हम लोग लिख रहे हैं x such that x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है। 3 का क्या है? गुणज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मेट को हम लोग किसमें? रोस्टर या तालिका विधि में बदल लेते हैं। ठीक है, दूसरे समुच्चय को भी लिख लेते हैं, समुच्चय b। ठीक है, समुच्चय b में वो कह रहे हैं x is such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। क्या कह रहे हैं? x is such that x संख्या से x is such that x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है, जो 6 से क्या है? कम है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों को सबसे पहले रोस्टर फॉर्मेट में लिखेंगे। तो अगर हम लोग इसे रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसका रोस्टर फॉर्मेट क्या हो जाएगा? x such that x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का क्या है? गुणज। तो 3 का गुणज कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले 3, फिर 3 दूना 6, फिर 3 त्रिका 9। ये हमारे क्या है? 3 के गुणज है। 3 के गुणज ऐसे ही लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हुए 3 चौके 12, ऐसे डॉट 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 करके हमें बहुत सारा लिखना है, क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं कही है। ठीक है ना, अगली बार उन्होंने कहा है समुच्चय b, समुच्चय b की जो रोस्टर फॉर्म होगी या तालिका विधि होगी, उन्होंने कहा कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से क्या है? कम।
तो छह से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, एक दो तीन चार पांच और छह, ठीक है ना। अब हमें क्या लिखना है, इंटरसेक्शन लिखना है, दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। यदि हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, यूनियन लिखना है, क्या लिखना है, सम्मिलन लिखना है। तो सम्मिलन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब लिखेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी निकल के आएगा, इन दोनों समुच्चयों को मिला के लिखना है। तो दोनों समुच्चयों को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, फिर कौन आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पांच आएगा, फिर कौन आएगा, छह आएगा, और छह के बाद जो नंबर आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके, तीन के गुणज होंगे। छह के बाद कौन डायरेक्टली आएगा, नौ, सात नहीं आएगा, क्योंकि सात ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, और हम मिला के लिख रहे हैं। नौ के बाद कौन आएगा, बारह आएगा, ऐसे डॉट 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 आगे के नंबर आएंगे, ठीक है ना। ये रहा आपके पहले के तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक। पहले क्वेश्चन में चौथे का प्रश्न, पहले क्वेश्चन के चौथे का आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन में चौथे में कह रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या इस बार फॉर्मेट उन्होंने फिर से समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या लिखा उन्होंने, कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन है, वो कह रहे हैं कि जो एक्स है वो बड़ा है एक से, छोटा है और कितने से, बराबर है छह से, ठीक है। आगे उन्होंने दूसरा, दूसरे समुच्चय में बी में लिखा है यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, क्या लिखा है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या, फिर से उन्होंने लिखा एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, जो क्या है, कंडीशन है कि जो क्या है, जिसमें जो यक्ष है वो छह से बड़ा है और छोटा है कितने से, दस से। तो सबसे पहला कार्य हमारा होगा इस सवाल को लगाने के लिए कि हम दी गई सवाल की जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को क्या करें, रोस्टर विधि में बदल ले। रोस्टर विधि में जब हम लोग इसे बदलेंगे तो यहाँ एक प्राकृतिक संख्या है जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, एक से लेकर के कहाँ तक, छह तक, जिसमें एक जो है वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसके नीचे बराबर का सिंबल नहीं है। तो हमारा शुरुआत कहां से होगा, दो तीन चार पांच और छह, छह इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि छह के नीचे क्या, बराबर का चिन्ह है, ठीक है। बी में देखिए, बी में लिखेंगे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहां क्या हो जाएगा, छह और दस के बीच में है, तो कौन कौन आएगा, सात आठ नौ और कौन, दस, ठीक है, दस नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि दस के नीचे भी बराबर का सिंबल नहीं है। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, सम्मिलन, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, दोनों समुच्चयों को क्या करेंगे, मिला के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, शुरुआत दो होगी, फिर तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, ये हो गया हमारा क्या, ए यूनियन बी। ये रहा आपके सवाल नंबर पहली के चौथे का सोल्यूशन, ठीक है। सवाल नंबर चार, पहली के पांचवें में देखिए, कह रहे हैं a बराबर एक दो तीन, क्या कह रहे हैं, a बराबर एक दो और तीन, और दूसरा समुच्चय b बराबर बोल रहे हैं फाइव, b बराबर क्या बोल रहे हैं, फाइव। आपको याद हो तो समुच्चयों के सम्मिलन में हमने एक गुणधर्म आपको पढ़ाया था कि यदि a का यूनियन हो रहा होगा किसी फाइव समुच्चय से, मतलब एक ऐसे समुच्चय से जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा, क्या आएगा, अच्छा ए यूनियन फाइव, दोनों को मिला के लिखना है, तो दोनों को मिला के जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस बार उन्होंने क्या पूछ रखा है हमें, उन्होंने हमें ए दिया है एक दो तीन और बी बराबर दिया है फाइव, और पूछा है ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, तो जो आंसर मिल रहा है वो कौन मिल रहा है, एक दो और तीन, और जो एक और दो तीन है ये किसके बराबर है, ए के ही बराबर है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ये गुणधर्म याद करके इसे लगा सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों को क्या कर सकते हैं, मिलाकर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में कह रहे हैं, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर ए और बी, मान लीजिए दो क्वेश्चन में कह रहे हैं एक समुच्चय ए है उसमें कौन कौन अवयव है, ए और क्या है, बी है, और दूसरा समुच्चय बी है, क्या कह रहे हैं, बी बराबर ए बी सी है, बी बराबर क्या है, ए बी और सी है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या ए उपसमुच्चय है बी का, क्या ए उपसमुच्चय है बी का। फिर आगे वो कह रहे हैं कि
ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें उपसमुच्चय बताना है, तो उपसमुच्चय किसे कह रहे हैं, उपसमुच्चय कहते हैं ऐसे दो समुच्चय होने चाहिए, ऐसे क्या होने चाहिए, दो समुच्चय जिसमें ए का जो अवयव हो वो बी का भी अवयव हो। ठीक है ना, तो ध्यान देखिए, यदि ए और बी में, ए में हमारे पास कौन कौन है, ए और बी है, और बी में कौन है, ए बी और सी है, तो अगर आप देखें तो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, अर्थात जो ए के अवयव है वो बी में है, जो ए के अवयव है वो कहाँ है, बी में है। बी के लिए कोई बात नहीं बोलनी है, बी के लिए क्या करनी है, कोई भी बात नहीं बोलनी है, इसलिए जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ ए जो है वो उपसमुच्चय है बी का। ठीक है ना, ए के अवयव तो बी में है, बी के लिए कोई बात नहीं बोलनी है। ठीक है ना, उपसमुच्चय की कंडीशन में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमेशा उपसमुच्चय जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो आप देख रहे होंगे जो ए है वो बी में से निकाला गया है, ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा होगा, ए और बी है और इसमें कौन है, ए बी और सी है, तो जो ए है वो बी से बन सकता है, इसलिए ये बात क्या है हमारे लिए, सत्य है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा कि ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, ए यूनियन बी भी ज्ञात कीजिए, तो अगर आप ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी और सी, और जो ए बी सी है वो कौन सा समुच्चय है, बी है। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन में कह रहे हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हो जिसमें, क्वेश्चन नंबर तीन, जिसमें ए उपसमुच्चय हो बी का, जिसमें ए उपसमुच्चय हो बी का, तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है, तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं जिसमें ए यूनियन बी था, तो हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, बी मिला, तो निश्चित रूप से हम यहां बोल सकते हैं कि जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, बी ही होगा। ठीक है ना सौरभ, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर चार है। क्वेश्चन नंबर चार में कहा है उन्होंने कि यदि ए बराबर समुच्चय एक दो तीन चार, और बी बराबर तीन चार पाँच छः, सी बराबर पाँच छः सात आठ, डी बराबर सात आठ नौ दस, तो कुछ नीचे उन्होंने प्रश्नों का ढेर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि निम्नलिखित को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। उसमें पहली सवाल है ए यूनियन बी, क्या है, ए यूनियन बी, ध्यान से देखिए हमें यहाँ ए यूनियन बी ज्ञात करना है, मतलब ए और बी जो दो समुच्चय हैं उन दोनों को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के लिखना है, तो इसमें देख रहे हैं हम एक है दो है, तीन इससे मिल गया, चार भी मिल गया, तो ये दोनों अवयव कैसे लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे, अर्थात एक दो तीन चार पाँच और छः, ये हो गया आपका क्या, ए यूनियन बी। ठीक है ना, आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर चार के दूसरे में उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, मैं आशा करता हूँ कि आप ए यूनियन सी आप स्वयं से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ए यूनियन सी। इसी प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है क्या, बी यूनियन सी, क्या है, बी यूनियन सी, आप बी यूनियन सी भी ज्ञात कर लेंगे। अगली सवाल है चौथी, कौन सी है, बी इन बी यूनियन डी, क्या है, बी यूनियन डी, ये भी आप ज्ञात कर लेंगे। और अगली सवाल है हमारे हिसाब से क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हम ज्ञात कर देते हैं। ठीक है, आप क्या कर लीजिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी और बी यूनियन डी क्या कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें ए यूनियन बी और बी यूनियन क्या ज्ञात करना है, सी। तो सबसे पहले आप शुरुआत चाहे जहाँ से करना चाहे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, ए यूनियन बी ज्ञात कर लें या बी यूनियन सी ज्ञात कर लें। ठीक है, कोई दो काम ही तो एक साथ कर सकते हैं, तो हम लोग ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं। अभी अभी हम लोगों ने सवाल नंबर एक में ए यूनियन बी ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था, ए यूनियन बी, यहाँ देखिए तो हम लोग लिख लेते हैं ए यूनियन बी में क्या मिला था हमें, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ, सी क्या है हमारे पास, पाँच छः सात और आठ, पाँच छः सात और आठ। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो
दोनों को करेंगे तो छह तक तो हमारे पास संख्या है पहले से थी, सात और आठ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देखिए अब इन सबको मिला के लिखना है, सबको क्या करना है मिला के लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, छह इसमें भी है, छह इसमें भी है, तो समुच्चय में वो दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए दो बार वे लिखे नहीं जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो देखिए प्रश्न संख्या चौथे की छ, चौथे की छ वाली सवाल में उन्होंने कहा है ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है ना, ए यूनियन बी यूनियन डी, अगर ए यूनियन बी यूनियन डी ज्ञात करना है तो आप चाहे दो को साथ काम कर सकते हैं, दो के साथ काम कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम लोगों ने ए यूनियन बी पहले से निकाला है तो ए यूनियन बी यहां से ले लेते हैं, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ, फिर क्या लेते हैं यूनियन कर देते हैं किसके साथ डी, डी में कौन है सात आठ नौ और दस, सात आठ नौ और दस, तो यहां हो जाएगा जो हमारा आंसर वो क्या हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस। देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, ये सब मिला के लिखे जाएंगे क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो समुच्चयों का क्या है सम्मिलन, समुच्चयों के सम्मिलन में सभी अवयवों को एक साथ करके लिखा जाता है, ठीक है ना। एक प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न भी सवाल नंबर चार में है, वो क्या है कि बी यूनियन सी यूनियन डी, क्या है सवाल नंबर छ, पांच के बाद छ, बी यूनियन सी यूनियन डी, हमें बी का यूनियन करना है सी से और जो आएगा उसका यूनियन किससे करना है डी से करना है, तो हम लोगों ने देखिए आप लगाइएगा सवाल में तो बी यूनियन से यहाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर उसका इंटरसेक्शन किससे कर दीजिएगा डी के साथ कर दीजिएगा। देख लीजिए बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, बी को सी के साथ मिलाएंगे, तो बी को जब सी के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास पाँच मिल जाएगा और छः मिल जाएगा, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे तीन चार पाँच छः, फिर आगे कौन सात और आठ, ठीक है ना, ये हमारा कौन रहा बी यूनियन सी। आगे देखिए हम ये सवाल लगा रहे थे तो ये हो जाएगा तीन चार पाँच छ सात और आठ, यूनियन कर रहे हैं किसके साथ डी के साथ, सात आठ नौ और दस, यहाँ क्या हो जाएगा सात आठ नौ दस, ठीक है, तो हमारा जो आंसर फाइनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना। इस प्रकार सवाल नंबर चार भी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दूसरा तीसरा भी हमने लगा दिया है, चौथा और चौथा आप कर लीजिएगा, दो सवाल आप कर लीजिएगा, बाकी हमने क्या कर दिया यहाँ लगा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या पाँच में कह रहे हैं प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, प्रश्न संख्या एक में दिए गए समुच्चयों का क्या ज्ञात करना है सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या एक में पहली सवाल दी गई थी x बराबर हमारे पास क्या दिया गया था एक तीन पाँच, एक तीन और पाँच, ठीक है ना, और उसी के साथ y बराबर क्या दिया गया था, y बराबर दिया गया था एक दो और तीन, इस बार हमें यूनियन नहीं सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। इंटरसेक्शन में जो दोनों समुच्चय के अवयव हो और वो कॉमन हो वही लिखे जाते हैं, अर्थात इन दोनों में जो कॉमन अवयव है वो कौन है एक तो एक है और कौन है तीन है, ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y में हो जाएगा एक और तीन, ठीक है। ये पहली सवाल थी पांच में, दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल में उन्होंने लिखा है ए बराबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और बी बराबर लिखा है ए बी और सी, हमें ज्ञात क्या करना है ए इंटरसेक्शन वाई, क्या ज्ञात करना है अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन है सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में ए, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पाँच भी क्या होता है समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर छः, देखिए क्वेश्चन नंबर छः में कह रहे हैं यदि ए बराबर छः में यदि ए बराबर क्या ए तीन पाँच सात नौ ग्यारह, तीन पाँच सात नौ ग्यारह, ठीक है। इसी प्रकार बी में कह रहे हैं
बी में कह रहे हैं 7, 9, 11 और 13, 7, 9, 11 और 13, ठीक है। और सी में कह रहे हैं 11, 13 और 15, सी में कह रहे हैं 11, 13 और 15, ठीक है। डी में कह रहे हैं क्या, डी में कह रहे हैं 15 और 17, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहला ज्ञात कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, अर्थात समुच्चय ए और बी दोनों में जो कॉमन हो वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहलाएगा। तो देखिए समुच्चय ए और बी में जो दोनों कॉमन है वो कौन है, 7 है, 9 है और 11, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 7, 9 और 11, ठीक है, 7, 9 और 11। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, जो दूसरा है हमारा वो क्या हो जाएगा, दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा है ए यूनियन सी, क्या पूछा है, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी देखिए, ए यूनियन सी में क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनियन सी में हमारे लिए हो जाएगा ए का सी से क्या करना है, वो सॉरी ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए का सी से यूनियन करना है, ए को सी से रिलेट कीजिए, ठीक है। अगर आप ए यूनियन सी देखेंगे तो ए और सी को यूनियन का मतलब होता है मिला के लिखना, क्या करके लिखना, मिला के लिखना। तो जब मिला के लिखेंगे तो हमारे पास कौन हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। देखिए यहाँ इंटरसेक्शन था और यहाँ क्या है, यूनियन है, यहाँ क्या है, यूनियन है। इसी प्रकार आगे की जो सवाले हैं, अगली सवाल, सवाल नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अगली सवाल है चौथी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अगली सवाल है बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, छठी सवाल हो जाएगी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग तीसरी सवाल लगाते हैं तो तीसरी सवाल में उन्होंने कहा है कि पहले दो कोई भी दो कार्य कर लीजिए, दो को ले लीजिए, जैसे ए यूनियन सी ले लीजिए या सी इंटर ए इंटरसेक्शन सी ले लीजिए या सी इंटरसेक्शन डी ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए हम ए इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ए का सी से इंटरसेक्शन, अगर ए का सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो जो सिर्फ और सिर्फ हमें अवयव मिलेगा वो कौन मिलेगा, 11, कौन मिलेगा, 11। और उसका इंटरसेक्शन किससे करना है, उसका इंटरसेक्शन करना है डी से, किससे, डी से। डी में हमारे पास क्या है, 15 और 17, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों में इंटरसेक्शन करने के लिए बचे हैं उसमें एक भी अवयव ऐसे नहीं है जो क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आगे की सवालें क्या करेंगे आप कर लेंगे, ठीक है। शेष बचे प्रश्नों को हम आपको अगली कक्षा में सॉल्व करा देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।